So it's 11:45 in the morning and पूरा बेमन का फील आ रहा है. तो now I am at my friend's house. I'm going to shoot today's video. Topic of my today's video is the coronavirus. Yes, आज कोरोना वायरस के बारे में आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. Welcome back to the channel guys. Here is you watching my YouTube channel mh04 vlogs and today's topic of my video is the कोरोना वायरस. जैसे कि मैंने आपको बताया एंड आपको पता है कि कोरोना वायरस चाइना से स्टार्ट हुआ वुहान के वेट मार्केट से. तो अभी वो इंडिया में आ चुका है एंड इंडिया में बहुत ज़्यादा वास्ट हो रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है. इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए बिकॉज महाराष्ट्र के अंदर में बहुत सारे उसके केसेस बढ़ रहे हैं. सो द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट इन इंडिया इज द महाराष्ट्र. 42 नंबर्स ऑफ केसेस हैव बीन डिटेक्टेड इन महाराष्ट्र इटसेल्फ एंड केरला इज ऑन द सेकंड, दैट इज 25, यूपी इज ऑन 16. So there are many states. Karnataka 14, Delhi 11, and Ladakh is on 8 number. And the other states such as Bandagand, Punjab, Andhra Pradesh, all these other states contains one number of patients of the corona in the state. So the total number of patients of the corona is has gone on 141. दैट इज़ कि बहुत ज़्यादा हो चुका है. डे बिफोर येस्टरडे मैंने जब भी चेक किया था तभी था 136 पे, तो 5 पेशेंट और बढ़ गए. तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो करना बहुत ज़्यादा जरूरी. ऑल्सो द सम ऑफ द पेशेंट्स हैव बीन क्योर्ड इन इंडिया, मतलब कि वो कोरोना होने के बाद भी अच्छे हो चुके बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी. द नंबर ऑफ दैट पेशेंट इज बीन 14 और ये सारे नंबर्स मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से साइट से इसे निकाले. दैट इज़ द अपडेटेड वन, मतलब कि कल का शायद 18 डेज का पूरा अपडेटेड डेटा है. सो अलॉन्ग विद शॉर्ट डेटा में आपको थोड़े डूज एंड डोंट्स बताने वाला हूँ ऑफ द कोविड-19 दैट इज कोरोना वायरस के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर दी do's, that is wash your hand with sanitizer regularly, that is for at least for 20 seconds because वो बहुत ज़्यादा बोले कि हाथों से ज़्यादा फैल रहा है कोरोना वायरस. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. सो मेक श्योर दैट यू वॉश योर हैंड्स फॉर एट लीस्ट 20. ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन हाइजीन एट योर आसपास जहाँ भी आप लोग अभी फिलहाल तो सभी लोग घर पे रहेंगे बिकॉज बाहर आने के लिए अलाउड नहीं किया जा रहा है. तो मोस्टली मेक श्योर दैट यू मेंटेन हाइजीन एट योर होम एंड ऑल्सो चेक दी टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी. अगर आपको लग रहा है कि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है या फिर बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, तो make sure that you approach to your doctor. These are the do's and the mains are the don'ts. Do not shake hands with the unnecessary people जो कि बाहर से मोस्टली ट्रैवल करके आए उनके साथ है शेक हैंड्स मत करना. ऑल्सो डू नॉट मेक अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद दैम एंड ऑल्सो डू नॉट ट्रैवल अननेसेसरी. अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा काम है बाहर तो ही बाहर बिना घर के, या फिर मत जाना बाहर बिकॉज बाहर आपको पब्लिक भी नहीं मिलेगी. सारे दुकान सब बाकी के सब वर्किंग इंडस्ट्रीज एंड ऑफिस आर ऑल्सो क्लोज. सिर्फ लोकल चालू है लेकिन फिर भी बाहर जाने के लिए अवॉइड करो बिकॉज कोरोना इज बीन स्प्रेडिंग एट अ हायर रेट. मैंने आपको महाराष्ट्र के बारे में बताया क्योंकि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है. 42 नंबर्स ऑफ पेशेंट्स आर फाउंड इन महाराष्ट्र इटसेल्फ एंड द मेन थिंग विच आई वांट टू टेल इज दैट डिजिटली रूमर्स मत स्प्रेड करो बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ भी स्प्रेड कर रहे हैं कि ये होने से कोरोना चला जाएगा, दारू पीने से कोरोना चला जाएगा. बहुत सारे ऐसे मैंने न्यूज़ पढ़े लेकिन आई एम टेलिंग यू बिकॉज वेरीफाई करने से पहले, मतलब प्लीज़ वेरीफाई द न्यूज़ एंड देन स्प्रेड इट. अगर आप रूमर स्प्रेड करें तो कुछ भी हो सकता है. तो इसके लिए अच्छा कि इट इज़ आई हैव मेंशन इट इन द डोंट्स बिकॉज डू नॉट स्प्रेड इफ यू डोंट नो अबाउट इट. ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट हाउ टू अवॉइड द कोरोना वायरस. मोस्टली मैंने जो भी केसेस सुने हैं कि जो भी पेशेंट क्योर हो चुके हैं उनकी मतलब उनका रीज़न था दैट इज़ immunity. yes, you should have a strong immunity. yes, strong immunity के लिए there are some measures you have to do. the first is do regularly exercise. yes, आपको exercise regular करना पड़ेगा. उसके बाद में आपको vegetables खाने पड़ेंगे, fruits खाने पड़ेंगे जो कि अच्छे health के लिए. currently आपको meats वगैरह avoid करना पड़ेगा because of corona too. लेकिन you have to eat fruits, vegetables. also you have to regularly exercise. there are some fruits which I am going to mention for a good immunity. yes, some of the fruits, some of the things which can be eat and can be increased your immunity are that is garlic, spinach, broccoli, dry fruits such as almonds and all. so these are the things which you can eat and increase your immunity. good sleep for your good immunity. so अभी वैसे भी work from home दिया गया है तो अच्छे से नींद निकालो, सो घर पे तो अच्छा नींद आपको मिलेगा ना, आपकी immunity increase हो सकती है and you can avoid the corona virus from affecting you. अगर आपको affect हो भी गया तो भी you can recover it as soon as possible. मतलब आपकी immunity अगर strong है तो you can recover from it बहुत जल्दी आपको. ऑल्सो स्टॉप स्मोकिंग बिकॉज इम्यूनिटी स्मोकिंग करने से इम्यूनिटी कम हो जाती है. तो ऑल्सो स्टॉप स्मोकिंग, अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो प्लीज़ उसको बंद कर दो बिकॉज इट अफेक्ट्स योर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग. सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द कोरोना वायरस दैट इज अगर आपको लग रहा है कि आपको कोरोना वायरस, अगर ये सिम्टम्स आपको रहेंगे देन ओनली यू कैन से दैट यू हैव दी सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस सच एज फीवर. अगर आपका टेम्परेचर बॉडी का बहुत ही ज़्यादा हो रहा है एंड आफ्टर दैट इफ़ यू आर हैविंग सम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स सच एज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और कफिंग प्रॉब्लम, सो दैट उसकी वजह से आपको क्या हो रहा है कि लग रहा है कि हाँ कोरोना वायरस है, सो दैट यू कैन गो एंड चेक टू योर नियरेस्ट हॉस्पिटल। ऑल्सो देट इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर आप किसी ऐसे इंसान को जाके मिल रहे हो जो कि बाहर से आया है, दैट इज़ माइग्रेट फ्रॉम अनदर कंट्रीज़, तो उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी से मिले हो और आपको कफिंग प्रॉब्लम्स एंड फीवर वगैरह हो रहा है, तो प्लीज़ गो एंड चेक टू योर नियरेस्ट हॉस्पिटल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस आपको कोरोना हुआ है, तो प्लीज़ डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग पॉजिटिव साइड में देखें तो 14 केसेस ऐसे भी है जहाँ पर हम लोग ने इंडिया में क्योर कर चुके हैं कोरोना को। तो यू कैन ऑल्सो बी क्योर्ड। तो सिर्फ इम्यूनिटी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इम्यूनिटी इज़ द मेन फैक्टर इन द कोरोना वायरस। एंड ऑल्सो देर आर मैनी ट्रीटमेंट्स गोइंग ऑन, एंड दी हेल्पलाइन नंबर फॉर कोरोना वायरस इज़ 1075। यस 1075 पर कॉल करो अगर आपको कोई भी सस्पेक्ट आजू बाजू में लग रहा है कि यस इट इज़ बिन अफेक्टेड, सो प्लीज़ उसके लिए कॉन्टैक्ट करना और बोल देना, इन्फॉर्मेशन दे देना। एंड यस हेल्पलाइन नंबर फॉर दी महाराष्ट्र, ओनली फॉर दी महाराष्ट्र पीपल इज गिवन ऑन योर स्क्रीन। और जो जनरल हेल्पलाइन नंबर है दैट इज़ 1075 जो मैंने आपको बताया। ओके तो ये था टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोरोना। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको कोरोना होगा भी नहीं, ऐसे अगर ओवर कॉन्फिडेंट कोई रहते हैं, अगर आपको हुआ भी तो आई एम टेलिंग यू कि प्लीज़ आप बाहर जाके ऐसा मत करो कि वो स्प्रेड हो जाए। द मेन रीज़न इज़ दैट कि वी हैव टू स्टॉप इट फ्रॉम स्प्रेडिंग, बिकॉज हील तो हो जाएगा, वो कवर तो रिकवर तो हो जाएगा, लेकिन द मेन थिंग इज़ वी हैव टू स्टॉप स्प्रेडिंग फ्रॉम इट। हम लोग के एरिया में मतलब कि अरोली साइड में एक माइंडस्पेस कंपनी में भी एक सस्पेक्ट पाया गया है, एंड हीज़ बीन एडमिटेड टू दी कस्तूरबा हॉस्पिटल मुंबई। सो ऑल्सो केसेस बढ़ रहे हैं। मैंने भी बोला कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा नंबर्स उसके बढ़ चुके हैं, और ये सब पूरा डेटा इन्फॉर्मेशन मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से साइट पे से निकाला है। तो इट इज़ वेरी जेन्युइन, वेरी करेक्ट। सो मेक श्योर दैट यू टेक ऑल दोज प्रिवेंटिव मेजर्स, डूज डोंट्स सब याद में रखना एंड सब फॉलो करना। कोरोना हैज़ बीन फैटल इन इंडिया, दैट इज़ 3 डेथ्स आर बीन, मतलब कि 3 डेथ हो चुके ऑलरेडी। एक है दिल्ली में, एक है कर्नाटक में, एक में महाराष्ट्र में। सो 3 डेथ ऑलरेडी हो चुके हैं। सो प्लीज़ गाइज स्टॉप शेयरिंग मीम्स ऑन इट एंड मेक श्योर दैट यू टेक सीरियसली कोरोना, बिकॉज कोरोना हटाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जैसे कि ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ से आगे भी वो कहाँ पर भी जा सकता है, तो मेक श्योर कि आप उसको सपोर्ट करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, बाहर निकालना बंद करो, घर पे ही रहो जब तक कि गवर्नमेंट बता नहीं देता दैट इट इज़ सेफ टू गेट आउटसाइड फ्रॉम द हाउस। तो मेक श्योर आप लोग अंदर रह रहे हो और सब प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हो। सो गाइज आई एम एंडिंग दी टुडे व्लॉग्स। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल फॉर दिस जोक। सो बी सेफ फ्रॉम द कोरोना, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेफ। सो आई एम एंडिंग दिस टुडेज़ व्लॉग। अगर ये छोटा सा व्लॉग, छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको शेयर किया अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ थम्स अप दे देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपके आसपास वाले दोस्तों रिलेटिव्स को पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी फ़िलहाल इंडिया में क्या हाल चालू है कोरोना का। तो दैट्स वाई ये वीडियो शेयर कर देना। एंड सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके बेल आइकॉन को प्रेस करके जाना to get the notification of my next video. Okay, so as always, tata, bye bye, take care, keep watching MS04 vlogs, and thank you very much for watching. Bye bye.